गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट टूडेज और क्लास एंड रनिंग चैप्टर इज और रनिंग चैप्टर इज नीनास अलार्म क्लॉक ओके नीनास अलार्म क्लॉक हमारा चैप्टर चल रहा था और वर्कबुक बुक में फिलअप कर रहे हैं हम अपनी बुक इस चैप्टर का हमें आज जो है हम इस चैप्टर के पेज नंबर टेन को फिलअप करेंगे इन पेज नंबर टेन रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन पोएम इज क्लॉक टिक क्लॉक टिक पोएम इज क्लॉक टिक क्लॉक टिक क्लॉक टिक क्लॉक टिक इट्स सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग have to brush my teeth have to go through bath have to ready have to get ready for school clock tick clock tick it's 7 in the morning have to go to the kitchen have to eat my breakfast then have the food fill me every when clock tick Clock tick, it's four in the afternoon, have to do my homework, have to go to play in the garden, have me to relax after the whole day's hard work. Clock tick, clock tick, it's nine in the morning, have to settle my bed like a shelf, have to burden of the day, of have me win my good night sleep. ओके okay? तो ये जो आपका आपकी पोएम है क्लॉक टिक क्लॉक टिक इसमें तारा के जो है एट सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग या कितने बजे जो है ट, अलार्म करती है कितने बजे बजती है सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग इसके बाद जो है मैं ब्रश करता हूँ बात करता हूँ देन आफ्टर मैं गेट रेडी फॉर स्कूल स्कूल के लिए रेडी होता हूँ देन आफ्टर क्लॉक टिक क्लॉक टिक टिकेवन इन द मॉर्निंग देन आफ्टर सेवन ओ क्लॉक को मैं किचन में जाता हूँ वहाँ से ब्रेकफास्ट ईट करता हूँ एंड हैव दी फूड फिल माई एवरी वैन और जो है मैं क्या करता हूँ फूड से अपने आप को फील करता हूँ पूरा मतलब ब्रेकफास्ट करता हूँ दैन आफ्टर क्लॉक टिक क्लॉक टिक इट्स फोर इन द आफ्टरनून अब जो है फोर ओ क्लॉक को आफ्टरनून में हैव टू डू माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क करता हूँ एंड हैव टू गो टू प्ले इन द गार्डन मैं गार्डन में प्ले करने जाता हूँ एंड हैव मी टू रिलैक्स आफ्टर द होल डेज हार्ड वर्क देन आफ्टर प्ले करने के बाद मैं जब रिटर्न आता हूँ तो मैं जो मेरे पूरे दिन का जो हार्ड वर्क है उसके बाद वो उसका लिए रिलैक्स फील करता हूँ मतलब वो मेरा रिलैक्स टाइम होता है आराम करने का टाइम होता है देन क्लॉक टिक क्लॉक टिक इट्स नाइन इन द मॉर्निंग जब जो है टिक टिक करके वो क्लॉक में नाइन बजते हैं तब मैं क्या करता हूँ सेटल माई बेड लाइक अ शर्फ हैव टू बर्डन ऑफ द डे ऑफ और फिर मैं नाइन ओ को अपने बेड पर जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो है पूरे डे का जो मेरा बर्डन है वो कैसा हो गया है फिनिश हो गया है एंड हैव मी माय गुड नाइट स्लिप और फिर मैं जो है अपने गुड नाइट स्लिप के लिए चला जाता हूँ ओके okay, तो ये जो पोएम है इसके सम क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो हमें फिल करने हैं। लाइक दिस फर्स्ट इज फॉर डज द चाइल्ड डू व्हेन इट इज सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग वॉट डज द चाइल्ड डू वैन इट इज सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग मीन्स जब मॉर्निंग की सिक्स थर्टी हाफ पास थर्ट हाफ पास सिक्स मीन्स साढ़े छः बजे होते हैं तब बच्चा क्या करता है तो ऐट सिक्स थर्टी आंसर क्या होगा कि एट सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग द चाइल्ड ब्रश टी टैक्स बाथ एंड इट्स रेडी फॉर स्कूल मीज जो बच्चा है वो अपने दांतों को ब्रश करता है बात करता है एंड फिर स्कूल के लिए रेडी होता है ओके देन आफ्टर वैन डज द चाइल्ड हैव ब्रेकफास्ट चाइल्ड है जो चाइल्ड है वो ब्रेकफास्ट कब करता है तो द चाइल्ड है सेवन ओ क्लॉक को जो चाइल्ड है वो क्या करता है ब्रेकफास्ट लेता है राइट ना देन आफ्टर

गोज़ टू प्ले इन द गार्डन एंड फाइनली रिलैक्स मतलब जो है चाइल्ड अपना होमवर्क करता है फर्स्ट जो है वो प्ले करने जाता देन आफ्टर वो प्ले करने जाता है एंड देन फाइनली क्या करता है रिलैक्स करता है एंड फोर्थ नंबर वैन डज द चाइल्ड गो टू स्लीप वैन डज द चाइल्ड गो टू स्लीप बच्चा स्लीप करने कब जाता है द चाइल्ड गो टू स्लीप एट नाइन पी एम मतलब जो है बच्चा नाइन पी एम को स्लीप करने जाता है ओके देन आफ्टर आंसर द क्वेश्चन यहाँ पर सम क्वेश्चन दिए हैं हम इन क्वेश्चन के आंसर फिलअप करने हैं एंड दिस इज़ फॉर यू ये आपके लिए है फर्स्ट इज वैन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग आप सुबह कब उठते हैं तो ये आपको राइट करना है आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट देन धनर आप जितने बजे भी उठते हैं आपको वो टाइम राइट करना है लाइक दिस सिक्स ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक ओके तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट सेवन ओ क्लॉक एट सिक्स ओ क्लॉक आप जिस टाइम पर भी उठते हैं आपको वो टाइम राइट करना है तो ये क्वेश्चन मैंने इसी लिए छोड़ दिया है बिकॉज ये ऑल क्वेश्चन के आंसर आपके होने चाहिए कि आप कितने बजे स्लिप करके जगते हैं है ना तो ये आपको फिलअप करना है ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी है व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग देन आफ्टर थ्री एक्टिविटीज़ जो आप मॉर्निंग में करते हैं तो आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको राइट करनी है लाइक दिस हैव अ ब्रेकफास्ट देन आफ्टर गेट रेडी फॉर स्कूल या फिर ब्रश या फिर इसके अलावा भी और कोई एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो वो आपको राइट करनी है देन थर्ड व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द आफ्टरनून व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द आफ्टरनून देन आफ्टर आप आफ्टरनून में जो थ्री एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको राइट करनी है And question number four: What are the three activities that you do in the evening? Then three activities, जो आप evening में करते हैं, शाम में करते हैं. And then last: When do you go to sleep? और आप सोने कब जाते हैं? ऐसे ही सेम एज जैसे क्वेश्चन में बच्चा आफ्टरनून में मतलब मॉर्निंग टाइम में क्या करता है एट फर्स्ट ब्रश करता है देन आफ्टर जो है बात लेता है वो बात देन आफ्टर गेट रेडी फॉर स्कूल स्कूल के लिए रेडी होता है राइट और ब्रेकफास्ट करता है ऐसे ही आपको भी राइट करना है आफ्टरनून में आफ्टरनून में क्या राइट करेंगे आफ्टरनून में आप स्कूल से जो है रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड डू माय होमवर्क राइट एंड इवनिंग में प्ले इन द गार्डन गोइंग टू प्ले इन द गार्डन विथ फ्रेंड्स एंड इसके अलावा भी और क्या करते हैं डू डू होमवर्क है ना ये आपको राइट करने हैं राइट टेन सेंटेंसेज ऑन माई डे राइट टेन सेंटेंसेस ऑन माई डे अब जो है मेरे डे के ऊपर अपने डे के ऊपर आपको टेन सेंटेंसेस राइट करने हैं लाइक दिस आई गेट अप एट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग आई गेट अप सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ एट टेन पास्ट सेवेन अब यहाँ पर जो टेन पास्ट सेवन दिया है मीन्स सेवन बजकर टेन मिनट्स ओके जब सेवन बजकर टेन मिनट्स होंगे तो उसे क्या बोला जाता है टेन पास्ट सेवन तो आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ एट टेन पास्ट सेवन मीन्स सेवन बजकर टेन मिनट्स पर मैं अपना फेस वॉश करता हूँ और अपने जो टीथ है उन्हें ब्रश करता हूँ देन थर्ड नंबर आई ड्रेस एट ट्वेंटी पास्ट सेवन एड्रेस एट ट्वेंटी पास सेवन मतलब सेवन बजकर ट्वेंटी मिनट पर मैं ड्रेस वेयर करता हूँ अपनी यूनिफॉर्म वियर करता हूँ देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट और उसके बाद में क्या लेता ब्रेकफास्ट लेता हूँ ओके दे नेक्स्ट एड्रेस एट ट्वेंटी पाट सेवन दैन आई हैव माई ब्रेकफास्ट मैं जो है ट्वेंटी पाट सेवन टू मतलब सात बज के ट्वेंटी मिनट्स को ड्रेस वेयर करता हूँ और ब्रेकफास्ट लेता हूँ दैन आफ्टर आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल ब्रेकफास्ट के बाद मैं स्कूल को जाता हूँ एंड स्कूल स्टार्ट एट एट ओ क्लाक इन द मॉर्निंग और जो मेरे स्कूल है वो मॉर्निंग में एट ओ क्लाक को ओपन होती है स्टार्ट होती है मीन्स चालू होती है एंड आई हैव माय लंच एट द स्कूल कैंटीन और जो है मैं अपना लंच स्कूल कैंटीन में करता हूँ एंड आई गो होम एट वन ओ क्लॉक और फिर मैं जो है वन ओ क्लॉक को अपने होम चला जाता हूँ ओके okay, तो ये आप सभी का ऐसे ही रूटीन होता होगा शायद तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें राइट कर लेना है देन आफ्टर ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉक्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लाक्स दिए है आपको इन क्लॉक्स की या तो पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर अगर इनका आपको पिक्चर मिले तो आपको आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं अगर कहीं पर इन क्लॉक्स की पिक्चर है तो आप उसे कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं चिपका सकते हैं या फिर अगर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है फर्स्ट वॉच है आपकी सन डायल सेकेंड वॉच आवर ग्लास आवर ग्लास थर्ड क्लॉक कुकू क्लॉक कुकू क्लॉक फोर्थ पेंडुलम क्लॉक फिफ्थ अलार्म क्लॉक एंड सिक्स रेस्ट क्लॉक ओके तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की क्लॉक है तो इन क्लॉक्स के पिक्चर हमें यहाँ ड्रॉ करने हैं या फिर जो है इन क्लॉक्स के अगर पिक्चर अवेलेबल है हमारे पास तो हम उसे पेस्ट भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए पिक्चर्स राइट किए हैं देखिए ये है आपका सन डायल ओके तो आपको जो है सन का पिक्चर अगर ना मिले तो आप ये क्लॉक वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट वाले में सन डायल में सेकेंड पिक्चर इज आवर ग्लास ये जो सेकेंड पिक्चर है आपका आवर ग्लास का है तो आप इस पिक्चर इस पिक्चर को देख के आवर ग्लास में इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे या फिर अगर आपके पास आवर ग्लास का पिक्चर है तो आप उसे कट करके पेस्ट कर लेंगे ओके देन आफ्टर थर्ड इज थर्ड इज थर्ड पिक्चर है आपका कुकू क्लॉक ओके थर्ड पिक्चर इज कुकू क्लॉक तो आप ये कुकू क्लॉक का पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे देन नेक्स्ट पेंडुलम क्लॉक देन नेक्स्ट पेंडुलम क्लॉक जिसमें ये नीचे पेंडुलम होता है और ये क्या करते रहता है ऐसे हिलते रहता है ओके okay, ये पेंडुलम क्लॉक का पिक्चर है एंड देन नेक्स्ट अलार्म क्लॉक है ना जो अलार्म देती अगर हमने इसमें लार्म सेट कर दिया तो ये अलार्म देती ये अलार्म क्लॉक है एंड द नेक्स्ट रिस्ट क्लॉक रिस्ट क्लॉक मीन्स जिसे हम कहाँ पर बांधते हैं कहाँ वेयर करते हैं अपने रेस्ट में मीन्स अपने कलाई में ओके okay? स्टूडेंट्स तो ये आपको सिक्स क्लॉक के पिक्चर है आप या तो इन क्लॉक के पिक्चर इसमें ड्रॉ करेंगे या फिर अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल है तो आप इनके पिक्चर कट करके इस प्लेस पर पेस्ट करेंगे ओके okay? एंड देन आंसर द क्वेश्चन में जो आपको दिया है व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द आफ्टरनून एंड व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इनिंग एंड वॉट डू यू गो टू स्लीप और ये फाइव क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में फिल करने हैं ओके डे स्टूडेंट्स एंड बिफोर फाइव पी एम एवरीडे आपको बिफोर फाइव पी एम अपना होमवर्क सेंड करना होता है ओके यू नो ना तो बिफोर फाइव पी एम आपको अपना होमवर्क सेंड करना है ओके डे स्टूडेंट्स सो दैट इज़ ऑल टूडे थैंक यू